और उनको जमानत मिल गई, खैर ये तो उनके और न्यायालय के बीच का मामला है, न्यायिक प्रक्रिया पे क्या इस पर टिप्पणी देनी है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि लालू जी जल्दी स्वस्थ हों, अच्छी बात। सरकार के हस्तक्षेप पर रेमडेसिविर इंजेक्शन के प्रमुख निर्माताओं और बाजारियों ने अधिकतम खुदरा मूल्य में स्वैच्छिक कमी की सूचना दी है, यह जानकारी रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय ने। यह स्वागत योग्य कदम है, आज इस महामारी के दौर में लाभ कमाने की जगह जनहित पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हर्षवर्धन ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा है कि कोविड 19 अस्पतालों, ऑक्सीजन युक्त बेड और अन्य प्रासंगिक बुनियादी ढांचे में वृद्धि करने को कहा है। कहा तो है लेकिन जल्दी हो जाए ना, दिक्कत हर जगह हो रही है, सारे राज्य सरकार लगी हुई है, केंद्र का भी सहयोग हो रहा है, उम्मीद करते हैं सकारात्मक नतीजे आएंगे जल्दी। सोनिया गांधी CWC की समीक्षा बैठक में हिस्सा ली थी और उन्होंने कहा है कि सरकार को 25 साल तक टीकाकरण की उम्र कम करनी चाहिए। ठीक है, सोनिया जी ने सुझाव दिया, सरकार इस पर विचार करेगी। कुंभ अब प्रतीकात्मक होना चाहिए, कोविड 19 मामलों में वृद्धि के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है। नहीं, सही बात है, कोरोना संक्रमण के दौरान दो दो बार शाही स्नान हो गए हैं तो कुंभ को प्रतीकात्मक कर देना चाहिए, नहीं तो संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं उत्तराखंड में और हरिद्वार में कितने केस बढ़ रहे हैं, तो ये जरूरी है कि मानव जाति के कल्याण के लिए अब कुंभ को प्रतीकात्मक ही होना चाहिए। बिहार में कोरोना महामारी कहर ढा रहा है, हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन, इन सब चीजों की किल्लत हो रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल हाथ खड़े कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सरकारी तंत्र तो हाथ खड़े कर चुके हैं, अब प्राइवेट हॉस्पिटल भी ऑक्सीजन आनंद चीज को लेकर हाथ खड़े कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे किल्लत तो है लेकिन राज्य सरकार प्रयास कर रही है, ऑक्सीजन की तो निश्चित तौर पे किल्लत है, मेरे खुद के अस्पताल में कल रात से ऑक्सीजन नहीं है, मरीजों को डिस्चार्ज भी करना पड़ रहा है, नए मरीज ले नहीं पा रहे हैं, किल्लत तो है, किल्लतों को दूसरे राज्यों से पूरे करने की प्रयास सरकार कर रही है, उम्मीद है कि कुछ सकारात्मक नतीजे आएंगे, लेकिन किल्लत तो बहुत ज्यादा है। ABP News, आपको रखे आगे।